नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। दिल्ली पुलिस ने एक अजीबोगरीब चोर को गिरफ्तार किया है जो हवाई जहाजों में चोरी करने का काम करता है। चोर का नाम राजेश कपूर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 40 साल है। राजेश पिछले 19 सालों से चोरी करता आ रहा है। जानकारी के अनुसार राजेश पहले ट्रेनों में चोरी किया करता था, लेकिन बाद में उसने हवाई अड्डे पर चोरी करना शुरू कर दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। राजेश कपूर की गिरफ्तारी की पुष्टि दिल्ली पुलिस के डीसीपी आईजीआई उषा रंगनानी ने की है। सोमवार को उन्होंने इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पिछले 3 माह के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चोरी के 3 मामले सामने आए। इसमें से पहला केस 2 फरवरी 2024 का था। तब अमृतसर से दिल्ली की यात्रा के दौरान एक यात्री के 20 लाख के आभूषण चोरी हो गए थे। एक अन्य केस में 11 अप्रैल को हैदराबाद से दिल्ली जा रही फ्लाइट में एक यात्री का 7 लाख रुपए मूल्य का आभूषण चोरी हो गया था। इन केसों का खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था। हवाई अड्डे की सीसीटीवी और जिन विमानों में चोरियां हुई थी उनके यात्रियों की जानकारियां जुटाई गई। इसमें एक यात्री को चिन्हित किया गया जो दोनों उड़ानों में मौजूद था। इसके बाद संदिग्ध का नाम राजेश कपूर निकलकर सामने आया। जब एयरलाइंस ने राजेश का नंबर निकाला तो वह फर्जी मिला। इसके बाद पुलिस ने प्रयास करके राजेश कपूर का असली नंबर खोज निकाला। आरोपित को करोल बाग इलाके से हिरासत में ले लिया गया है, जहां वो चोरी के आभूषण किसी शरद जैन नाम के व्यक्ति को बेचने आया था। अब तक हुई जांच में यह सामने आया है कि राजेश पहले ट्रेनों में चोरियां किया करता था। साल 2005 से उसने चोरी करना शुरू किया था। कुछ दिनों बाद राजेश ने हवाई जहाजों में चोरियां करना शुरू कर दिया। चोरी करने के लिए वह उन बुजुर्ग महिलाओं को चिन्हित करता था जो विदेश की यात्रा पर निकली होती थी। यात्रा के दौरान राजेश अपनी सीट बार बार बदलता रहता था। उड़ान के दौरान राजेश ओवरहेड कैबिनों में रखे बैग को टटोलता था और उसमें से कीमती सामान निकाल कर रख लेता था। पुलिस की जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि राजेश अपने मृत भाई ऋषि की आईडी पर कई यात्राएं कर चुका है। वह दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रहता है। चोरी करने के बाद राजेश अपने फोन को बंद कर दिया करता था। उसका फोन काफी कम समय के लिए ऑन होता था। राजेश की गिरफ्तारी उसके घर से हुई है। उसके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और कई अन्य कीमती सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने राजेश से चोरी का आभूषण खरीदने वाले 46 वर्षीय शरद जैन को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।